किसी की हत्या करने के बाद शव को टुकड़ों में काट देना और फिर उसे फ्रिज में छुपा देना मानो आज ट्रेंड सा बन गया है। आए दिन भारत के अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। आज हम आपको जिस हत्याकांड की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, मगर ये कहानी भारत की नहीं बल्कि दुनिया के सेफेस्ट सिटीज में से गिने जाने वाले हांगकांग से आई है। यहां तो क्रूरता की हदों को पार करते हुए एक अरबपति लड़की की हत्या करने के बाद ना सिर्फ शव को टुकड़ों में काटा गया बल्कि शव को पकाकर सूप भी बनाया गया, और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो यकीन से परे था। हम 2023 में ही अंजाम दी गई हांगकांग की मशहूर मॉडल एबी चोए मर्डर केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर एबी चोए मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है, इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया था और इन सब के पीछे किसका हाथ था, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, जब आप इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों तथा हत्या की वजह के बारे में सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, ये दिल दहला देने वाली हत्याकांड की पूरी कहानी हांगकांग के मशहूर फैशन मॉडल एबी चोए की है। एबी चोए का जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग के बेहद ही रईस परिवार में हुआ था। एबी चोए के पिता हांगकांग के जाने माने कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन हैं। एबी चोए देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं, इसलिए ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने का फैसला करती हैं और अपने प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत बतौर इन्फ्लुएंसर करती हैं। बहुत कम समय में ही बतौर इन्फ्लुएंसर अपनी पहचान बनाने के बाद ये प्रोफेशनल तरीके से मॉडलिंग के क्षेत्र में उतर जाती हैं और कई मशहूर मैगजीन के लिए काम करने लगती हैं। इन्हीं सब के बीच जब एबी चोए की उम्र महज 18 साल थी तभी इनकी मुलाकात 2012 में एलेक्स वॉन्ग नाम के एक लड़के से होती है। एक तरफ एबी चोए एक अरबपति घराने की बेटी थी तो लड़का एक सामान्य से मिडिल क्लास फैमिली का था। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शादी भी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों महज 18 साल की उम्र में ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती रहती है। बीतते समय के साथ एबी चोए और एलेक्स वॉन्ग दो बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। अमूमन शादी और मां बनने के बाद लड़कियां मॉडलिंग की दुनिया से दूर होने लगती हैं, मगर एबी चोए अपनी मेहनत के बल पर मॉडलिंग की दुनिया में और ज्यादा चमकने लगती हैं। इनकी मॉडलिंग की दुनिया तो अच्छी चल रही थी मगर अब इनकी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए थे, और देखते ही देखते ये उतार चढ़ाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब इन दोनों में अक्सर विवाद होने लगता है। और शादी के चौथे ही साल एबी चोए और एलेक्स एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला करते हैं। तलाक लेने के बाद एबी चोए की दोस्ती हांगकांग के मशहूर तामजाए यूनान मिक्सियन रेस्टोरेंट चेन के मालिक के बेटे क्रिस टैम से हो जाती है। कुछ समय की दोस्ती के बाद 2016 में एबी चोए अब टैम चुक वॉन के साथ शादी के बंधन में बंध जाती हैं। बीतते समय के साथ इस शादी से भी एबी चोए दो बच्चों की मां बनती हैं। भले ही एबी चोए ने दूसरी शादी कर ली थी, इसके बावजूद उसने अपने पहले पति से हुए दोनों बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ा था। यहां तक कि एबी चोए अब भी अपने पहले ससुराल वालों के करीब थी। इसने अपने बच्चों और पूर्व पति के लिए हांगकांग के बेहद ही पॉश इलाके में एक 4 बेडरूम का 1820 स्क्वायर फुट का एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बच्चों की देखभाल के लिए एबी चोए अक्सर अपने पूर्व पति को पैसे भी दिया करती थी। पूर्व पति का भाई एंथोनी वॉन्ग बहुत कामयाब नहीं था, इसलिए एबी चोए ने उसे अपना प्राइवेट ड्राइवर रख लिया था और बदले में उसे अच्छी खासी सैलरी दिया करती थी। मतलब दूसरी शादी करने के बावजूद एबी चोए हर किसी की नजर में एक आदर्श मां और एक जिम्मेदार महिला थी। हर कोई एबी चोए से काफी खुश था, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। मॉडलिंग की दुनिया में भी एबी चोए अब काफी आगे आ चुकी थी। बात 2023 की है। एबी चोए को दुनिया के एक मशहूर फैशन मैगजीन के कवर पर भी जगह मिलती है। एबी चोए वो लग्जरियस लाइफ जी रही थी जिसका ख्वाब अक्सर लोग देखा करते थे। इसकी पर्सनल दौलत ही करोड़ों में हो चुकी थी। मॉडलिंग की दुनिया में जलवे बिखेरने के साथ साथ एबी चोए अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखती थीं, और वो अक्सर अपने बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ने और स्कूल के बाद लेने जाया करती थीं। मगर 21 फरवरी 2023 को
एबी चोए अपने बच्चों को स्कूल से रिसीव करने वाले समय पर नहीं पहुंचती हैं। यहां तक कि सभी बच्चे चले जाते हैं मगर एबी चोए काफी देर तक वहां नहीं पहुंचती हैं। अब स्कूल अथॉरिटी की तरफ से एबी चोए को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है मगर इनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद एबी चोए के पति से कॉन्टैक्ट किया जाता है। वो स्कूल से बच्चों को ले आते हैं मगर अपनी पत्नी को लेकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि एबी चोए का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। मोबाइल अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। काफी खोजबीन के बावजूद जब एबी चोए का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है तो क्रिस टैम स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। ये एक मशहूर मॉडल के साथ साथ शहर के एक अरबपति के बेटी के गायब होने का मामला था, इसलिए पुलिस वाले तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और पुलिस की कई टीमें एबी चोए को खोजने में लग जाती हैं। एबी चोए के डेली रूटीन को समझने के बाद शुरुआती पूछताछ एबी चोए के पति से ही होती है मगर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन लोगों से पूछताछ में ही निकल जाता है लेकिन कहीं से भी एबी चोए की कोई भी जानकारी पुलिस वालों के हाथ नहीं लगती है। अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एबी चोए के ड्राइवर यानी एबी चोए के पूर्व पति के भाई से भी पूछताछ करती है मगर पुलिस के हाथ बहुत कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एबी चोए के पूर्व पति और उसके कई रिश्तेदारों से भी पूछताछ होती है मगर पुलिस वालों को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता है। पुलिस वाले आसपास के इलाकों के सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू करते हैं मगर कहीं भी एबी चोए की मौजूदगी का पता नहीं लगता है। हालांकि एक सीसीटीवी में एबी चोए की तस्वीरें कैद होती हैं जिसमें वो व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट पैंट और व्हाइट स्लीपर पहने हुए नजर आती हैं तथा उनके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग नजर आता है। पुलिस इस तस्वीर के आधार पर भी एबी चोए को खोजने की पूरी कोशिश करती है मगर दो दिन बीत जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। बीतते समय के साथ पुलिस पर एबी चोए को खोजने का दबाव बढ़ने लगता है। इसी के बाद इस मामले की जांच कर रही पुलिस की सभी टीम एक साथ बैठने का फैसला करती है और जांच को लेकर फिर से रणनीति बनाई जाती है। इसी मीटिंग के दौरान एबी चोए के पहले ससुराल वालों से पूछताछ करने वाली अलग अलग टीम जब अपने अपने बयान दर्ज करवाती है तो मीटिंग के दौरान सामने आता है कि एबी चोए के पूर्व पति के साथ साथ परिवार के सदस्यों के बयान में कई जगह विरोधाभास है तथा कई बयान झूठे भी लगते हैं। उन सभी के बयान को फिर से एनालाइज करने के बाद पुलिस वाले एबी चोए के पूर्व पति उसके भाई समेत परिवार के दूसरे सदस्यों से एक बार फिर से पूछताछ का फैसला करते हैं। जब इन लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू होती है तो ये लोग एक बार फिर से नई कहानी सुनाने लगते हैं। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि जरूर एबी चोए के गायब होने में इन लोगों का हाथ है। इसी कारण इन सभी के बयानों का मिलान तथ्यों से किया जाने लगता है मगर इन सभी के ज्यादातर बयान झूठे साबित होने लगते हैं। इसके बावजूद इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है बल्कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है और पुलिस अपने आधार पर जांच आगे बढ़ाती रहती है। जांच के दौरान सामने आता है कि एबी चोए के पूर्व पति समेत परिवार के दूसरे सदस्यों को पिछले कुछ दिनों से पास के एक बेहद ही पिछड़े गांव की तरफ आते जाते देखा गया है। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस वाले उसी गांव का पता लगाते हुए उस घर में पहुंच जाती है जहां ये लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार आ जा रहे थे। जब पुलिस वाले इस घर में आते हैं तो वो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि दावा किया गया था कि यहां कई दिनों से लोग रह रहे हैं मगर घर की हालत ऐसी थी कि देखने से ही लग रहा था कि यहां लंबे समय से कोई नहीं रह रहा है क्योंकि हर ओर धूल जमी हुई थी और घर के अंदर की हालत बहुत ज्यादा बदतर थी। पुलिस वालों के दिमाग में एक सवाल खटकता है कि जब घर की हालत इतनी बुरी है और देखने से लग रहा है कि यहां कोई रह भी नहीं रहा है तो आखिर वो लोग यहां पिछले कई दिनों से आ क्यों रहे हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। पुलिस वाले जब तलाशी लेते हुए एक कमरे में जाते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें कमरे में एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक आरी, दो बड़े बड़े चॉपर, एक बड़ी सी हथौड़ी, फेस शील्ड और काले रंग का रेनकोट नजर आता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि यह घर नहीं बल्कि बूचड़खाना है। अभी पुलिस वाले इन सभी चीजों के मिलने के रहस्य को समझने में लगे ही हुए थे कि पास में ही पुलिस वाले को एक छोटा सा पर्पल कलर का हैंडबैग नजर आता है। ये वही हैंडबैग था जो बैग एबी चोए के गायब होने वाले दिन सीसीटीवी में कैद हुए फोटो में एबी चोए अपने साथ लिए हुए नजर आई थी। घर के अंदर एबी चोए के बैग की मौजूदगी
अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस वाले आगे तलाशी लेते हुए किचन तक जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा सूप पॉट भी नजर आता है जो पूरी तरीके से भरा हुआ था। आगे तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले कमरे में मौजूद बड़े से फ्रिज को खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। फ्रिज में इंसानी पैर के टुकड़े रखे हुए थे। इसके अलावा शरीर के कई अंगों को काटकर फ्रिज के अंदर रखा गया था। पुलिस वाले अब सारा माजरा समझ जाते हैं। इन सभी चीजों को जब्त करते हुए तुरंत जांच के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस की कई टीमें एबी चोई के पूर्व पति तथा उसके परिवार के सदस्यों की तलाश में लग जाते हैं। पुलिस के लिए अब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पूछताछ के बाद पुलिस ने उन सभी को छोड़ दिया था और मौका मिलते ही उनमें से ज्यादातर लोग लापता हो गए थे। इसलिए पुलिस वाले तत्परता दिखाते हुए उन लोगों की खबर देने वाले को इनाम देने की घोषणा कर देते हैं। पुलिस की कई टीम ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों के अंदर एबी चोई के पूर्व पति समेत उसके परिवार के एक के बाद एक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में एबी चोई के पूर्व पति के अलावा पूर्व पति के माता पिता, भाई तथा उनके कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। इन सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने इस स्टेज पर पहुंचकर केस को कितनी गंभीरता से लिया था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक एक सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए पुलिस ने हर सस्पेक्ट के पीछे 100-100 पुलिस वालों को छोड़ दिया था। जब एबी चोई के पूर्व पति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से लगभग 50 लाख रुपए कैश, लगभग 4 करोड़ रुपए वैल्यू के दर्जनों लग्जरियस घड़ी बरामद किए जाते हैं। ये सभी घड़ियां एबी चोई की थी जो एलेक्स ने हत्या करने के बाद चुराई थी। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और पुलिस हत्या के असल कारणों को समझने की कोशिश करती है। पहले तो ये लोग एबी चोई की हत्या से इनकार करते हैं मगर आगे जो खुलासा होता है वो हिला देने वाला होता है। पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक एबी चोई ने 2019 में अपनी पहली शादी से हुए दोनों बच्चों की देखभाल के लिए अपने पूर्व पति को 4 बेडरूम वाला एक लग्जरियस अपार्टमेंट खरीद कर दिया था। टैक्स बचाने के लिए एबी चोई ने यह अपार्टमेंट अपने पूर्व ससुर वोंग काउ के नाम पर खरीदा था। एबी चोई के दोनों बच्चों के साथ पूर्व पति का पूरा परिवार यहां खुशी खुशी रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था मगर 2023 की शुरुआत में एबी चोई अपने इस लग्जरियस अपार्टमेंट को बेचने का फैसला करती हैं। इस लग्जरियस अपार्टमेंट को बेचकर अब एबी चोई एक दूसरा और थोड़ा सस्ता घर खरीदकर इन लोगों को देना चाहती थी। इस फ्लैट की मौजूदा कीमत भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास थी। तुरंत ही एबी चोई के पूर्व पति समेत उसके परिवार वाले एबी चोई के इस डिसीजन का विरोध करना शुरू कर देते हैं। चूंकि टैक्स बचाने के लिए एबी चोई ने वो फ्लैट अपने पूर्व ससुर के नाम पर खरीदा था इसलिए वो अब फ्लैट बेचने के कागजों पर दस्तखत करने से भी इनकार कर देते हैं। मगर हांगकांग में एक कानून है कि अगर कोई व्यक्ति साबित कर दे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय पैसा उसने दिया है तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, पैसा देने वाला अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसी के बाद अब चोई कानूनी सलाह लेने के बाद फ्लैट को बेचने के पेपर बनवाना शुरू कर देती हैं और इस फ्लैट की डील को फाइनल करने में लग जाती हैं। इससे परेशान होकर एबी चोई के पूर्व पति समेत उसके परिवार वाले मिलकर खौफनाक साजिश रचते हैं और तय किया जाता है कि एबी चोई इस फ्लैट को बेचे उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दिया जाए। इसी साजिश के तहत जब एबी चोई को लेकर उसका ड्राइवर बच्चों को पिक करने स्कूल की तरफ निकलता है तो रास्ते में वो एक सुरंग के पास गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही उसमें एबी चोई का पूर्व पति आकर बैठता है। पूछे जाने पर कहता है कि मुझे बस थोड़ी ही दूर जाना है। ये सुनकर एबी चोई उसे गाड़ी में बैठने की इजाजत दे देती है। गाड़ी में बैठने के बाद आगे एग्जैक्टली क्या हुआ इस बारे में अब तक पुलिस की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी में बैठने के बाद ही ड्राइवर और एबी चोई के पूर्व पति मिलकर एबी चोई की हत्या कर देते हैं और फिर उसके शव को लेकर कुछ ही दिन पहले किराए पर लिए गए गांव वाले घर में जाते हैं। यहां आरी, छुरी तथा दूसरे हथियारों से एबी चोई के शव को टुकड़ों में काटा जाता है और ग्राइंडर में पीस कर बड़े से बर्तन में डालकर कुछ हिस्सों का सूप बनाया जाता है जबकि बाकी बचे हिस्सों को फ्रिज में डाल दिया जाता है। ये लोग शव के टुकड़ों को छोटा छोटा करके सूप बनाते रहते हैं। इन लोगों का प्लान था कि इसी तरह शव के टुकड़े करते हुए एबी चोई का नामो निशान मिटा दिया जाएगा मगर पुलिस की बड़ी सक्रियता के बीच इन लोगों को अपना प्लान बदलना पड़ता है
और सभी आरोपी पुलिस की पकड़ मजबूत होता देख बचने की कोशिश में लग जाते हैं, मगर पुलिस की सक्रियता के आगे हर किसी की चालाकी फीकी पड़ जाती है। सबके सब पकड़े जाते हैं। जब पुलिस ने घर के अंदर सूप पॉट को देखा था तो पुलिस वालों को लगा था कि शायद लोगों ने अपने खाने के लिए इसमें सूप बनाया है, मगर आगे की फॉरेंसिक जांच में खुलासा होता है कि बर्तन में जो सूप था वो असल में एबी चोए की मांस से बनाया गया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज चुकी है और बहुत जल्द इस मामले का ट्रायल भी कोर्ट में शुरू होने वाला है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा कि इन आरोपियों को कोर्ट से क्या सजा मिलती है। वैसे हांगकांग के कानून के मुताबिक संभव है कि 7 में से ज्यादातर आरोपियों को एबी चोए की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिल सकती है। वैसे आपके अनुसार इन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।